हेलो दोस्तों, हम आज बनाने वाले हैं चिकन, जो हम बनाएंगे ग्रेवी में। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए मसाला यानी पेस्ट। तो वो पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर दो बड़े प्याज लिए हैं, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये 9-10 हरी मिर्च है। ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये मसाला बनाने के लिए हमें ये जो सब चीज़ें डाली है, इसे अच्छे से फ्राई करना है। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर, ये 1 मुट्ठी मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोकोनट पाउडर से क्या होता है, ग्रेवी अच्छे से थिक बनती है और टेस्ट भी आता है। तो हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइटली गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इस मसाले को मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने के टाइम पे हम उसमें टमाटर भी ऐड करेंगे, जो यहाँ पे मैंने काट के रखे हैं। ये देखिए, ये हम मसाला बना के लेंगे अभी मिक्सी में। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बारीक कर लिया इसे। और यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से धोकर रख लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे हम बारीक काट कर ले लेंगे। अभी हमारा कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। हम 4 चम्मच तेल लेंगे। ये तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। करी पत्ता, हरी मिर्च, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे।
ये देखिए, ये हमारी प्याज और हर सब चीज़ें ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला, पिसा हुआ मसाला। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है अच्छे से, तेल भी छूट गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये सूखे मसाले, जिसमें है धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधा चम्मच घर का गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये हरा धनिया, ये है एवरेस्ट का मटन मसाला, ये पूरा पैकेट हम डालेंगे उसमें। अब इसे फिर से तेल छूटने तक फिर से हम फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए तेल छूट गया है मसाले में, अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो धो के चिकन रखा है वो डालेंगे। चिकन को भी इस मसाले में हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। नमक डालेंगे, यह हमारा मसाला हम अच्छे से भूनने देंगे। देखिए इसमें से पानी अभी निकल रहा है चिकन से। अब इसे हम ढक देंगे और इसके ढक्कन के ऊपर डालेंगे पानी।
10 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा पानी ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब यही पानी हम डालेंगे इस चिकन, ये देखिए चिकन भी अच्छे से भुन गया, दिख रहा है आपको, तेल भी छूट गया है मसाले में। अब ये गर्म पानी जो है यही हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालकर कुकर बंद कर देंगे 6 से 7 सीटी होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुकर खोलने जा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है ग्रेवी, देखिए चिकन भी पक चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।